हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 7 द डेथ्स हेड। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वेलकम टू सपना क्लासेस। क्वेश्चन 1, व्हाट इंट्रीग्यूड राजीव अबाउट द बुक ही फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो राजीव को जो लाइब्रेरी में बुक मिली थी उसको क्या देख के उसे जिज्ञासा हुई, ठीक है, तो क्या उसको जिज्ञासा हुई कि इस बुक को देखा जाए। बुक वॉज बिग लेदर बाउंड वॉल्यूम दैट आइदर वॉज हैंड बाउंड लाइक द एंटीक बुक्स ही हैड ओनली सीन इन द पिक्चर्स। दिस इंट्रीग्यूड राजीव अबाउट द बुक ही फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो बुक बहुत बड़ी थी, लेदर बाउंड वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि उसका जो कवर था वो इस तरह का था जैसे पुरानी बुक्स का होता है ना, एंटीक बुक्स का। काफ़ी मोटी बुक थी और इस तरह की बुक थी जो उसने सिर्फ पिक्चर्स में ही देखी हैं, तो इसलिए राजीव को उस बुक के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द बुक अबाउट। बुक किस बारे में थी। आंसर 2, द बुक वॉज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ द नाइट। तो बुक जो है एक एनसाइक्लोपीडिया थी। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स दे रखे होते हैं और उनको एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो बुक जो है वो मिथिकल क्रिएचर्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं रात में जो निकलते हैं उनके ऊपर एनसाइक्लोपीडिया थी। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड ही थिंक द हॉक मॉथ्स बॉडी मेड इट लुक इविल। तो राजीव ये क्यों सोचता है कि हॉक मॉथ की जो बॉडी थी उसकी वजह से वो एक इवल लुक देती थी। आंसर 3, द हॉक मॉथ हैड द मार्क शेप्ड लाइक ए स्कल ऑन इट्स थॉरेक्स। दिस मेड हॉक मॉथ्स बॉडी लुक इविल। जो हॉक मॉथ था उसकी जो स्कल के ऊपर, सॉरी, उसके थॉरेक्स के ऊपर एक स्कल बना हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से जो हॉक मॉथ है उसकी बॉडी इविल की तरह से लगती थी। क्वेश्चन 4, What other thing about the hawk moth was considered to be a bad omen? हॉक मॉथ के बारे में ऐसी और कौन सी चीज़ थी जो एक बुरा शगुन माना जाती थी। हॉक मॉथ emits a high pitched squeal which is also considered a bad omen. हॉक मॉथ की जो आवाज़ थी, वो चीखने की जो उसकी आवाज़ थी, जो उसकी चिल्लाहट थी, वो भी एक बुरा शगुन मानी जाती थी। In the end, was Rajiv convinced by what his mother told him? Give reasons for your answer. End में राजीव किस तरह से कन्विंस हो गया जो उसकी मदर ने बोला, उसके लिए आपको रीज़न देना है। Yes, राजीव was convinced by his mother as the moth on the lamp was the common moth. राजीव अपनी मदर से कन्विंस हो गया था, यानी कि उन्होंने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि वो जो लैम्प पर जो मॉथ था, जो कीड़ा था, वह एक कॉमन मॉथ था जो नॉर्मली दिखता है, और उसको देखने के बाद राजीव रिलैक्स्ड हो गया था और सोने के लिए चला गया था। ये थे क्वेश्चन आंसर्स प्रीक्विस्ट इंग्लिश बुक क्लास 8 के चैप्टर 7 के द डेथ हेड्स। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई और क्वेरीज हो या कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।